इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 13,500 करोड़ के बैंक फ्रॉड का आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की किस्मत का फैसला आज हो सकता है। मेहुल चोकसी भारत लाया जाएगा या उसे एंटीगुआ के हवाले कर दिया जाएगा। डोमिनिका कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाएगी। मेहुल चोकसी मामले में आज शाम फिर से सुनवाई शुरू होगी। भारतीय समय के अनुसार आज शाम 6 बजे के बाद ही सुनवाई शुरू होगी। मेहुल चोकसी को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल की सुनवाई पूरी होने तक जज अपना ऑर्डर लिख रहे थे। इस बीच मेहुल चोकसी का एक नया वीडियो सामने आया जिसमें वो व्हील चेयर पर बैठा दिख रहा है। मेहुल चोकसी फिलहाल अस्पताल में है जिसे कोर्ट ने आज अदालत में पेश होने का हुक्म सुनाया है। कोर्ट में चोकसी के केस की सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी गई। चोकसी के वकील का दावा है कि जज ने अपना फैसला लिख लिया है और आज सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट में डोमिनिका की सरकार ने साफ साफ कहा कि मेहुल चोकसी की याचिका वैध नहीं है और कोर्ट को उसे नहीं सुनना चाहिए, जबकि चोकसी के वकीलों का कहना है कि उसे अगवा किया गया। इस पर डोमिनिका सरकार ने अपना पक्ष रखा कि मेहुल चोकसी अवैध रूप से देश में घुस गया आया है, भारत का पक्ष मजबूत है और उसे भारत के सुपुर्द कर देना चाहिए। इस पर मेहुल चोकसी के वकील ने कहा कि पूरा मामला अपहरण को लेकर है या प्रत्यर्पण को लेकर। चोकसी भारत का नागरिक नहीं है, इसीलिए उसे भारत केस में पार्टी नहीं है। तो ये तस्वीर देखिए, मेहुल चोकसी कल नजर आया, वो व्हील चेयर पे था, अस्पताल में भर्ती है और 13,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में आरोपी है। 2018 से भारत से भागा हुआ है। डोमिनिका में वो पकड़ा गया। मेहुल के वकीलों का कहना है कि उसे भारत नहीं सौंपा जाना चाहिए। डोमिनिका में अपहरण का मामला है, प्रत्यर्पण का नहीं। और कल जब वो सामने आया तो तस्वीर कुछ ऐसी थी, मेहुल चोकसी व्हील चेयर पर था। ये देखिए मेहुल चोकसी की तस्वीर। जब सुनवाई के दौरान वो पहुंचा तो इस तरह से मेहुल चोकसी था, वो व्हील चेयर पर लाया गया था। वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उसका कहना है, वकीलों का कहना है कि भारत को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता मेहुल चोकसी, उसे एंटीगुआ भेजा जाना चाहिए। का दावा है कि जज ने अपना फैसला लिख लिया जो आज सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट में डोमिनिका की सरकार ने साफ साफ कहा है कि मेहुल चोकसी की याचिका वैध नहीं है और कोर्ट को उसे नहीं सुनना चाहिए, जबकि चोकसी के वकीलों का कहना है कि उसे अगवा किया गया है। इस पर डोमिनिका सरकार ने अपना पक्ष रखा कि मेहुल चोकसी अवैध रूप से देश में घुस आया है, भारत का पक्ष मजबूत है और उसे भारत के सुपुर्द कर देना चाहिए। इस पर मेहुल चोकसी के वकील ने कहा कि पूरा मामला अपहरण को लेकर है या प्रत्यर्पण को लेकर नहीं है। चोकसी भारत का नागरिक नहीं है, इसीलिए भारत इस केस में पार्टी नहीं है। मेहुल चोकसी को भारत को सौंपा जाए या नहीं, इसे लेकर डोमिनिका में विपक्ष के नेता और एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने अलग अलग बयान दिए। डोमिनिका में विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन ने कहा कि चोकसी को वापस एंटीगुआ भेज दिया जाए, जबकि एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने साफ कर दिया कि चोकसी अभी भी भारत का ही नागरिक है, हमने उसे नागरिकता नहीं देने का नोटिस भेजा था जिस पर उसने स्टे ले लिया। उसके खिलाफ भारत में धोखाधड़ी का मामला है और उसे भारत को सौंपा जाना चाहिए। गैस्टन ब्राउन का यही बयान कोर्ट में मेहुल चोकसी के खिलाफ जा सकता है और उसे भारत का नागरिक मानते हुए डोमिनिका कोर्ट भारत भेजने का फैसला सुना सकती है। मेहुल चोकसी किसी तरह बच जाए, इसकी कोशिश उसका पूरा परिवार कर रहा है। हमारे रिपोर्टर अभय पराशर ने भगोड़े मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी से बात की। प्रीति इस वक्त एंटीगुआ में मौजूद हैं। प्रीति ने उस मिस्ट्री गर्ल के बारे में तफसील से बताया। ये वही मिस्ट्री गर्ल है जो डोमिनिका में मेहुल चोकसी के साथ नजर आई थी। मैम, ये जो खबर चल रही है, जो एंटीगुआ मीडिया के हिसाब से जो खबर चल रही है कि ये जो बरबरा नाम की जो ये महिला है, ये कहाँ की हैं और मिस्टर चोकसी के संपर्क में कैसे आई? वो कहाँ की है, वो एक्चुअली रियल बाबरा कौन है वो नहीं मालूम है, लेकिन जो बाबरा क्लेम कर रही थी जो लेडी यहाँ थी वो हंगरी की थी। ओके, एंड सॉरी, व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन मैम? ये मेहुल चोकसी के संपर्क में कैसे आई एंटीगुआ में, मतलब आप लोगों से भी मिली थी क्या ये? अगस्त में
अगस्त में, वो अगस्त 2nd to 7th हमारे घर के सामने बगल में वो और उसकी फ्रेंड आए थे, दोनों ने एक अपार्टमेंट रेंट किया था. यहाँ पे कोविड था तभी, सो सब लोग जब भी चलने के लिए जाते थे तो शी वुड ऑल्सो स्टार्ट वॉकिंग, और वैसे बात होती थी विद, शी स्टार्टेड कनेक्टिंग विद माई हस्बैंड, यू नो, के साथ में चलते हैं, बात करते हैं, हाय हेलो, दैट काइंड ऑफ थिंग. ओके. एंड देन शी केम डाउन इन अप्रैल एंड शी केम डाउन नाउ इन मई, एक वीक के लिए तभी अगस्त में थी दैट वी नो ऑफ, एंड देन अप्रैल में थी एक वीक या मोर, एंड अभी मई में. आप क्या समझती हैं कि उन्हें वापस इंडिया आना चाहिए, यहाँ पर उन्हें जो लॉ को फॉलो करना चाहिए या लॉ को फेस करना चाहिए, आपका आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ कि लॉ, ये जो अभी सब हुआ जो है, लॉ हैज नॉट बीन फॉलोड, इंटरनेशनल लॉ हैज बीन ब्रोकन, ट्रीटीज हैव बीन ब्रोकन, तो कौन सा लॉ कौन फेस करेगा? ये कैसे, ये राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस इज अ केस ऑफ किडनैपिंग एंड विल कैन बिकम अ हॉस्टेज सिचुएशन. तो पहला आई थिंक वी नीड टू एड्रेस द मैटर एट हैंड. मेहुल चौकसी पर इस वक्त फंदा कितना कसा हुआ है और भारत की डोमिनिका में कैसी तैयारी है, इस रिपोर्ट से समझिए. मेहुल चौकसी डोमिनिका में कैसे फंसा, कैसे रातों रात उसे डोमिनिका से भारत लाने की तैयारी हुई, कैसे एक लेडी ऑफिसर के नेतृत्व में भारत की टीम डोमिनिका पहुंची, कैसे मेहुल चौकसी के खिलाफ फील्डिंग बिछाई गई और कैसे चौकसी के लिए हर दरवाजे बंद हो गए. अब हम मेहुल चौकसी की डोमिनिका डायरी खोलने जा रहे हैं. डोमिनिका से मेहुल चौकसी जब भारत लाया जाएगा तो इसकी बड़ी वजह क्या होगी, कैरेबियाई देश डोमिनिका में इस वक्त क्या चल रहा है, मेहुल चौकसी इस वक्त क्या कर रहा है, डोमिनिका से मेहुल चौकसी को भारत को डिपोर्ट करने यानी भारत वापस लाने के लिए 3 मजबूत दावे देखिए. मेहुल चौकसी की भारतीय नागरिकता रद्द नहीं की गई है, चौकसी ने अपना पासपोर्ट भी सरेंडर नहीं किया है. दिसंबर 2018 में ही मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया था. 62 साल के हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी की पूरी फाइल देखने से पहले उसे भारत डिपोर्ट करने की 2 और बड़ी वजहें देखी. मेहुल चौकसी के खिलाफ चार्जशीट के साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है. उसके खिलाफ मुंबई की अदालत ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया हुआ है. इंडियन सिटीजनशिप एक्ट व्हिच भारत के नागरिकता कानून के तहत दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है, और जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है तो कानून के तहत उसकी भारत की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है फौरन. तो इसे लेकर मुझे बिल्कुल शकशुबा नहीं है कि मेहुल चौकसी भारत के नागरिक नहीं है और वो एंटीगा के ही सिटीजन है. ईडी तो मेहुल चौकसी की 14,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर चुका है. इस वक्त सीबीआई समेत कई जांच एजेंसियों की टीम डोमिनिका में है. चौकसी को लेकर भारत की जांच एजेंसियों की शुरू से ये कोशिश रही है कि पूरा मामला कानूनी रूप से न उलझे और उसका डिपोर्टेशन बहुत स्मूथ तरीके से बगैर किसी झंझट के पूरा हो जाए. इसीलिए डोमिनिका के लिए सीबीआई और ईडी की 8 सदस्यों की टीम गई. इसका नेतृत्व बैंकिंग फ्रॉड के मामलों की सीबीआई की जांच देखने वाली शारदा राउत ने किया. आई बिलीव दैट वो वहाँ टैक्स देने वालों का पैसा खराब करने गए हैं, खूबसूरत कैरिबियाई देश में समुद्र के बीच का मजा ले रहे हैं, और मैं उनको गुड लक कहना चाहूंगा. आई विश देम गुड लक. ये टीम अपने साथ मेहुल चौकसी से जुड़े हर कागजात डोमिनिका ले गई, जिसमें ये साबित किया जाए कि चौकसी ने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है. इसमें चौकसी की आधार कार्ड डिटेल,
उसका पैन नंबर, राशन कार्ड समेत हर दस्तावेज मौजूद है। भारत में हजारों करोड़ का घोटाला करने के बाद वो एंटीगा भाग गया, वहां की नागरिकता ली। मई में मेहुल चौकसी एंटीगा से गायब हो गया, जिसके बाद 23 मई से उसकी तलाश शुरू हुई। बाद में वो क्यूबा भागते वक्त डोमिनिका में पकड़ा गया। It is very clearly a joint operation by various countries. ये कई देशों का ऑपरेशन था। वो जानते थे कि हमने एंटीगा में प्रत्यर्पण पर स्टे ले लिया है, तो वो चाहते थे कि मेहुल किसी तरह डोमिनिका जाएं, जहां वो उन्हें जबरदस्ती ले गए और ये ऑपरेशन फेल हो गया। इसमें कुछ मामूली लोग भी शामिल थे जिन्होंने मेरे क्लाइंट के साथ मारपीट की, चोरी चकारी की और टॉर्चर भी किया। And torturing him. If there are facts leading to what I've been hearing, definitely. अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये शर्मनाक बात है, ये बड़ी बात है। ज्यादा शर्मनाक यह है कि लोग आरोप लगाकर साबित करना चाहते हैं जैसे कि हमारी कंपनी इस गतिविधि में शामिल थी। ये वाकई शर्म करने वाली बात है। Taking place. That's the most shameful thing. मेहुल चौकसी और उसका भांजा नीरव मोदी दोनों पंजाब नेशनल बैंक का हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और दोनों इसमें मुख्य आरोपी हैं। नीरव मोदी इस वक्त लंदन की जेल में है और उसके भी प्रत्यर्पण की कोशिश जारी है। वहीं मेहुल चौकसी 2017 में एंटीगा की नागरिकता ले चुका है और फिर जनवरी 2018 में वो भारत से फरार हो गया। दोनों के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स का एनपीए 5,000 करोड़ से ज्यादा का है। वो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। मेहुल चौकसी विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। मेहुल चौकसी कैसे कारोबार कर रहा था, इसको समझने के लिए हमने मुंबई के झवेरी बाजार में इसकी आहट। मैं इस वक्त मौजूद हूं जवेरी बाजार के एक ज्वेलरी, कुमार जैन की ज्वेलरी शॉप में। यहां पर हर महीने लाखों करोड़ रुपए की ज्वेलरी का कारोबार होता है। मेरे हाथ में ये जो हीरा है, इसमें एक एक हीरे की कीमत, वैल्यू जो है इसकी, बाजार की वैल्यू है ये 9-9 लाख रुपए है। दो दो कैरेट का ये हीरा है और सीधे माइन से निकला हुआ ये हीरा है। लेकिन ऐसे ही हीरे मैनमेड भी होते हैं, यानी लोगों द्वारा बनाए होते हैं, जिनकी ओरिजिनल कीमत जो है वो 900 से 1,000 रुपए के बीच होती है। और ये हीरे माइन से निकले हुए हीरे बताकर बेचे जाते हैं। और ऐसे ही ठगी का जो कारोबार है वो गीतांजलि ब्रांड की तरफ से किया जा रहा था, ऐसा आरोप है, और अरबों रुपए बनाए गए। ज्वेलरी के बिजनेस में मेहुल चौकसी बुलंदी पर था, बड़े बड़े ब्रांड का मालिक, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और पैसे से कुछ भी खरीदने की ताकत। इसी वजह से उसने एंटीगा का रुख किया, वहां की नागरिकता खरीद ली। लेकिन जब मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया तो एंटीगा की सरकार ने उसे भारत को सौंपने के लिए कहा था। मेहुल चौकसी ने इसमें रुकावट डालने की बहुत कोशिश की। इट्स अ लीगल मैटर, ये कानूनी मसला है, राजनीतिक दलों का इससे कोई लेना देना नहीं। एक बात जिससे मुझे तकलीफ होती है वो ये कि मेहुल चौकसी एंटीगा के नागरिक है, वहां के लोगों को स्टैंड लेना चाहिए और उनको यानी मेहुल चौकसी के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए और ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जो मेहुल चौकसी के साथ हो रहा है उससे उनका कोई मतलब नहीं है। कैरेबियन मीडिया लगातार रिपोर्ट करता रहा कि मेहुल चौकसी अपने बड़े भाई चेतन चीनू भाई चौकसी की मदद ले रहा है। चीनू भाई चौकसी ने इसके लिए डोमिनिका के विपक्षी सांसदों को रिश्वत भी दी है। उसकी डोमिनिका के विपक्ष के नेता लेनक्स लिंटन से 2 घंटे की मुलाकात भी हुई और 1.5 करोड़ रुपए पेशगी भी दी गई, ताकि किसी तरह डोमिनिका में मेहुल चौकसी का मामला रफा दफा किया जा सके। मिस्टर चेतन चौकसी, ब्रदर ऑफ मिस्टर मेहुल चौकसी, इंडीड। चेतन चौकसी जो मेहुल चौकसी के भाई हैं, वो डोमिनिका गए हैं, ये सही है, ताकि वो अपने भाई का ख्याल रख सकें, लेकिन वो वहाँ क्वारंटीन में कर दिए गए, इसलिए वो किसी से मिल नहीं सकते। होटल के सीसीटीवी फुटेज भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जैसे ही वो वहाँ लैंड किए वो क्वारंटीन में है और किसी से मुलाकात उन्होंने नहीं की है। There is no possibility for him to meet anyone. डोमिनिका की जेल में बंद भगोड़े मेहुल चौकसी की ये तस्वीरें काफी चर्चा में है, जिसमें वो एक जेल में बंद नजर आ रहा है। तस्वीरों में उसके हाथ और आंख के पास चोट लगी हुई नजर आ रही है। वैसे डोमिनिका में पकड़े जाने से पहले मेहुल चौकसी लंबे वक्त से इंडिगा और बारबुडा में रह रहा था।
बहरहाल अब देखते हैं कि डोमिनिका में मेहुल चोकसी कैसे शिकंजे में आया। एंटीगा बारबुडा जहां मेहुल चोकसी नागरिकता खरीद कर बैठा था, वहां के प्रधानमंत्री गैसन ब्राउनी ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया। मेहुल चोकसी ने डोमिनिका जाकर गलती की है। मुझे जो जानकारी मिली है, मेहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका गए थे और डिनर के लिए और वहां पकड़े गए। डोमिनिका सरकार उसको वापस भारत भेज सकती है क्योंकि वो अब भी भारतीय नागरिक है। अगर वो मेहुल को वापस एंटीगुआ में भेज सकते हैं, जबकि मुझे पता है कि मेहुल की एंटीगुआ की नागरिकता अभी तक पक्की नहीं हुई है। गैसन ब्राउनी ने मेहुल चोकसी की इस मिस्ट्री गर्ल का नाम नहीं लिया, लेकिन कैरेबियन मीडिया ने इस मिस्ट्री को मिस्ट्री नहीं रहने दिया। हालांकि महिला की निजता का सवाल है, इसलिए हम भी उनकी पहचान उजागर नहीं करेंगे, लेकिन ये अब तक साफ नहीं है कि मेहुल इस मिस्ट्री गर्ल से मिलने वाला था कि उसकी मौजूदगी में ही डोमिनिका पुलिस ने उसे धर दबोचा। मेहुल चोकसी की उम्र इस वक्त 62 साल है, वो शादीशुदा है और खुद को एक पारंपरिक कारोबारी के तौर पर पेश करता रहा है। उस मिस्ट्री गर्ल को लेकर मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने कहा है कि मीडिया में जिस महिला को दिखाया जा रहा है वो मेरे पति को जानती थी। वो जब भी एंटीगा आती थी तो मेहुल चोकसी से मिलने जाती थी। हैरानी इस बात पर भी है कि इस महिला से मेहुल चोकसी की दोस्ती की खबर से उसके वकील भी इनकार नहीं कर रहे। उनका कहना है कि ये दोस्ती कारोबार के सिलसिले में हुई। फिलहाल ये मिस्ट्री गर्ल पूरे सीन से गायब है, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं कि क्या ये सचमुच कोई हनी ट्रैप था जिसमें मेहुल चोकसी फंस गया। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।